सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। सच्चा वाक्य न्यूज लुधियाना तजेंद्र सिंह, अज असीं पहुंचे हाँ जगराऊं पुल दे उत्ते जिथे के भारत जोड़ तिरंगा रैली कढ़ी गई। कांग्रेस के सीनियर अधिकारियों वालों भी और काफ़ी कांग्रेस के वर्करों वालों इस मिल के रैली कढ़ी गई, लेकिन जिस तरह ही ये शहीदां दे उसनू फुलां दा हार चढ़ाउण आए उत्थे इन्होंने एड्डी वड्डी गलती की है जो कि माफ करन दे योग भी नहीं है, क्योंकि शहीदां दा सत्कार करना साडे धर्म दे विच लिखिया होया है, क्योंकि जो शहीद होए साडे वास्ते शहीद होए हन उन्हां दे उत्ते जदों ये हार चढ़ाउण हार चढ़ाउण दा इन्हां ये भी नहीं पता शहीदां दे बुत उत्ते हार किस तरह चढ़ाया जाता है। इन्हां ने चुप करके पैरां दे विच हार फुल्लां दे हार सुट्टे, लेकिन कोई भी इन्हां ने सत्कार नाल नहीं किया, ना ही शहीदां नूं सलामी दित्ती गई, ना ही कुछ किया गया, इदा ही पैरां दे विच हार सुट्टे गए। तुसीं देख सकते हो हार भी इन्नी बुरी तरीके नाल खिलरे हुए हन जिदा कि मजाक किया हुंदा है। इहो जे मैं कहना कांग्रेस वर्करां नूं कांग्रेस नूं पार्टी दे विच्चों बाहर कढ़ना चाहीदा है, क्योंकि जिन्हां नूं इह नहीं पता शहीदां दा सत्कार किस तरह किया जाता है। शहीदां दा सत्कार करना सब तो वड्डा साडा हक बनता है, क्योंकि शहीदां दा सत्कार करो। तुसीं देख सकते हो फुल किस तरह पैरां दे विच खिलरे हुए हन, लेकिन इन्हां नूं कोई ओ नहीं आ, कोई शर्म नहीं आई, शहीदां दा सत्कार करन आए आ, इह की करन आए आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਮੂਲ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮਿਲ ਕਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਵੋ ਲੋਕ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਹਮ ਪਿਆਰ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਸੇ सबको जोड़ने के लिए निकले हैं। हम लोगों का नारा भी है, अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम इस तिरंगे से झंडे से जोड़ेंगे। तो इसी संदर्भ में कि देश में जो अफरा तफरी का माहौल है वो जल्दी से ख़त्म हो, देश की इकोनॉमी दोबारा ठीक हो, किसान से लेकर बेरोजगार से लेकर हर कोई जो मुश्किल में है, महिला से लेकर विद्यार्थी से लेकर, वो सब दिक्कतें कम हो, देश की गाड़ी फिर से पटरी पर चढ़े और नफरत वाली भाषा ख़त्म हो और प्यार वाली और भारत की एकता अखंडता बंधुत्व और समानता वाला जो हमारा मूल सिद्धांत है उसी को लेकर चले। लगातार आज़ादी के आंदोलन में कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये भाईचारा ये अपनापन ये देश से रहे। देश कोई ज़मीन के सिर्फ एक बाउंड्री से नहीं बनता है, उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है। आप लोगों में ही नफरत डालोगे तो देश एक कैसे रहेगा। तो हम देश को जोड़ने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, आप कह रहे हो देश को जोड़ने के लिए हो, लेकिन यहाँ पे 10 दिन से रेगुलर रेड़ी फड़ी वालों का भी यहाँ पे धरना लगा हुआ है, जो भूखे मर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे आपकी मौजूदा सरकार कांग्रेस होने के नाते कोई भी यहाँ पे अधिकारी चलकर नहीं आया इनका हाल पूछने, आज ये भीख मांगने पे भी लगे हुए हैं, आपको उसके बारे क्या कहना चाहते हो? इनको पूछना चाहिए, इनकी जो सवाल है उसको जल्दी से उसका हल निकालना चाहिए। मैं खुद अभी उनसे बात करूंगा कि उनकी क्या बात है और मेरे सेवा दल के अध्यक्ष को कहूंगा कि सही जगह पे इस बात को पहुंचाए। और मैं लगातार कहूंगा देश के जो पीड़ित वंचित जो भी हैं मुश्किल में हर कोई है, उन तबके के साथ कांग्रेस को खड़ा रहना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि अभी ये देखो इनकी ऐसी नौबत आ गई, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भीख मांगी है लोगों से, भीख मांगकर जो परिवार गुजारा नहीं कर पा रहे उनको मदद दी है, रेड़ी पड़ी वालों का इस समय इतना बुरा हाल है। मैंने आपको इनको जगह दे रहे हैं, मेरी मेयर साहब से बात हुई थी, हमारी आज मैं काउंसलर भी हूँ, हमारी मीटिंग हुई थी और इनको कहीं ना कहीं एक जगह मुहैया करा रही है बिल्कुल फ्री, वहाँ 2 महीने इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जब वहाँ इनका काम चलेगा तब कॉरपोरेशन पैसा लेगी, उससे पहले कोई पैसा लेगी। देखिए पूरे शहर में या पूरे पंजाब में या लुधियाने में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेडी, आप चंडीगढ़ में देख लो कोई भी रेडी, जहाँ 22 सेक्टर देख लो, 19 देख लो, 7 देख लो, 8 देख लो, कहीं भी रेडी फटनी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सरकार का ऑर्डर नहीं। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको जगह मुहैया कराने के लिए हमने मीटिंग भी की है, कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इनका हल किया जाए। आप कह रहे हो चंडीगढ़ में जो रेडी दी गई थी आपको, उसका चीज मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में पहले वेंडिंग जोन बनाए गए थे, उसके बाद उनको रेडियो को हटाया गया था, और यहाँ भी वेंडिंग जोन में क्लियर क्यों नहीं हुआ? मुझे मालूम है, एज ए पार्षद के तौर पे मुझे मालूम है, वहाँ भी वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का, ये आज से नहीं है, अगर ये नहीं चलते यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को जवाब देना होता है, जो सरकार को नहीं डिप्टी कमिश्नर जिम्मेवार है। तो ये कब तक होगा?